हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंग्लिश ड्रॉप में। आज का ये जो वीडियो है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो से हमें कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर, जो मतलब 10 to 20 वर्ड्स के जो क्वेश्चंस आते हैं हमारी बुक विस्टास में से। कौन सी बुक में से? विस्टास बुक में से जो 5 नंबर के जो 5 क्वेश्चन आते हैं सिंगल लाइन वाले, उन क्वेश्चंस के आंसर है हम यहाँ पर देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सबको करना क्या है कि इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने हुए रहना है और ध्यान से सारे क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को सुनते जाना है और कुछ नहीं करना, तो आपके जो 5 नंबर है वो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आपके जो 5 नंबर है वो कहीं नहीं जाने वाले। तो सबसे पहले हम बात करें इस वीडियो में आगे बढ़ने के लिए कि जो पहला चैप्टर हमें दिया है द थर्ड लेवल, देखो चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो आपको ध्यान से सुनते रहना है। और इधर यहाँ पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि जो 40% लोग ऐसे हैं अभी भी वीडियो देखने वाले, मतलब 10 में से 4 लोग ऐसे हैं या 100 में से 40 लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपको लगे कि थोड़ा सा भी फ़ायदा आपको इस वीडियो से हो रहा है तो फिर आप एक बार ये काम थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे, बाकी किसी पे दबाव नहीं है। आगे लिखा है पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ द वर्ल्ड फुलफिल्ड अप विथ, कि जो दुनिया है वो किससे भरी हुई है। तो पहला आंसर है जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो द वर्ल्ड इज़ फिल्ड अप, ये जो दुनिया भरी हुई है वो इनसिक्योरिटी फियर एंड वार वरी से भरी हुई है, एंड ए लोट ऑफ टेंशन सो भाई साथ में बहुत सारी चिंताएं भी है, पीपल वांट टू एस्केप फ्रॉम इट, इसलिए जो लोग हैं यहाँ से बचना चाहते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन और हो सकता है कि वाई डू द पीपल वांट टू एस्केप फ्रॉम दिस वर्ल्ड, भाई इस दुनिया से लोग एस्केप करना क्यों चाहते हैं, तो उसका आंसर भी यही होगा। नेक्स्ट लिखा है व्हाट हैपेंड विद चार्ली एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कि चार्ली के साथ उस स्टेशन पे क्या हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ली एंटर्ड इनटू ए सबवे टू गेट ट्रेन टू हिज होम, भाई वो एक सबवे मतलब एक सीधा रास्ता देखता है अपने घर जाने की ट्रेन पकड़ने के लिए, बट लेकिन ही वाज मिसडायरेक्टेड, लेकिन वो भटक जाता है एंड एंटर्ड इनटू ए अननोन वे और एक अनजान रास्ते में प्रवेश कर जाता है, ही कॉल्ड इट थर्ड लेवल और उसी को वो क्या नाम दे देता है, द थर्ड लेवल नाम दे देता है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेशन, स्टेशन का नाम क्या था, तो स्टेशन का नाम था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, तो आप स्पेलिंग्स को भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे। उसके बाद लिखा है फोर्थ क्वेश्चन हाउ मच मनी डज चार्ली गेट इन एक्सचेंज ऑफ $300, भाई $300 के बदले में उसने कितने रुपए निकाले थे, तो इन एक्सचेंज ऑफ $300 ही गेट्स ओनली $200 ऑफ द ओल्ड करेंसी, भाई जो न्यू करेंसी थी $300 की उसके बदले में उसको पुरानी करेंसी $200 है वो मिलती है, और उसका जो फ्रेंड था वो $1200 नई करेंसी के बदले में कितने रुपए लेता है, ₹800, जो साइकेट्रिस्ट था फ्रेंड का नाम क्या था, सेम। तो ये बात भी आप याद रख लेना, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि चार्ली जो मेन जो इस कहानी का जो राइटर है या मेन जो पात्र है वो तो 300 के बदले में 200 लेता है, और उसका जो फ्रेंड था सेम वो 1200 के बदले में कितने लेता है, ₹800 पुरानी करेंसी के लेता है। नेक्स्ट लिखा है हु हैड रिटन द लेटर टू चार्ली, भाई ये जो लेटर है वो चार्ली को कौन लिखता है, तो उस चार्ली साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, देखो साइकेट्रिस्ट की स्पेलिंग अगर नहीं पता है तो एक बार देख लेना क्योंकि ये गलत होने के ज़्यादा चांस होते हैं। फ्रेंड सेम रोट ए लेटर टू चार्ली, की जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था चार्ली का जिसका नाम था सेम, अभी हमने बात की, तो उसने ये लेटर लिखा था। व्हाट वाज कॉल्ड ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, भाई रियलिटी से रिफ्यूज मतलब दूर होने का एक जो टेम्परेरी रास्ता था वो क्या था, तो चार्ली हॉबी ऑफ स्टाम्प कलेक्टिंग इज कॉल्ड ए टेम्परेरी रिफ्यूज ऑफ रियलिटी, भाई जो उसकी एक हॉबी थी स्टाम्प कलेक्टिंग की, वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ का भूत सवार रहता था स्टाम्प कलेक्टिंग का। हाउ मैनी डॉलर्स डिड चार्लीज फ्रेंड सेम विदड्रो फ्रॉम हिज अकाउंट, इस क्वेश्चन की बात हम कर चुके हैं कि जो सेम था वो $1200 थे, $1200 फ्रॉम हिज अकाउंट इन ऑर्डर टू बाई, 1200 रुपये वो निकालता है अकाउंट से और उसके बदले में ₹800 जो ओल्ड करेंसी के थे वो निकाल लेता है। नेक्स्ट लिखा है व्हाट डिड द नरेटर क्लेम अबाउट द थर्ड लेवल, भाई जो नरेटर था वो थर्ड लेवल के बारे में क्या क्लेम करता है, क्या बात बोलता है, या फिर क्वेश्चन हो सकता है हाउ मेनी लेवल्स वर देयर एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अकॉर्डिंग टू चार्ली, तो देखो यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनना, देखो क्या कहा है हाउ मेनी लेवल्स वर देयर एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अकॉर्डिंग टू द चार्ली, भाई चार्ली के अकॉर्डिंग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे कितने लेवल थे, जबकि देखो अगर वैसे पूछा जाए कि हाउ मेनी लेवल्स वर देयर एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ये क्वेश्चन अगर यहीं तक रहे तब तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, 2 लेवल थे,
कितने लेवल लिख के आएंगे? दो लेवल। लेकिन चार्ली के अकॉर्डिंग कितने लिख के आएंगे? अगर चार्ली के अकॉर्डिंग पूछे तो हमें कितने स्टेशन बताने हैं, मतलब कितने लेवल बताने हैं? तीन लेवल। तो इस बात को, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एक बार। तो अकॉर्डिंग टू चार्ली देयर वर थ्री लेवल्स, चार्ली के अकॉर्डिंग कितने थे? तीन लेवल थे। और वैसे कितने थे? दो लेवल थे। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात है, व्हाट वाज द साइकेट्रिस्ट रिएक्शन व्हेन चार्ली टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल। भाई जो उसका फ्रेंड था सैम, उसको वो जाकर बताता है थर्ड लेवल के बारे में, तो उसका रिएक्शन क्या होता है? या फिर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ साइकेट्रिस्ट अबाउट द नरेटर। भाई उस नरेटर के बारे में वो अपना क्या विचार रखता है जब वो थर्ड लेवल के बारे में सुनता है? तो द साइकेट्रिस्ट टोल्ड हिम दैट इट वाज ए वॉकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट, ही इज़ ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम इज प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। भाई ये उसका एक, मतलब चलते फिरते आदमी, मतलब तो ये दिन में सपने देख रहा है और वो अपनी वास्तविकता से या फिर जो अपनी समस्या है उनसे वो दूर भागना चाहता है, ये उसने कहा था। हाउ वाज द कंडीशन इन द डेज ऑफ नरेटर्स ग्रैंडफादर। भाई जो नरेटर के ग्रैंडफादर थे उनके दिनों में वहाँ की परिस्थितियाँ क्या थी? तो द कंडीशन वाज वेरी नाइस, की बहुत अच्छी परिस्थितियाँ थी, एंड पीसफुल, मतलब शांति का माहौल था इन द डेज ऑफ नरेटर्स ग्रैंडफादर। नेक्स्ट हो जाएगा, व्हाई डज नरेटर थिंक दैट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री। भाई ये बात क्यों कही गई थी कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था वो एक ट्री के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहा था? तो देखो, जैसे ये बात पूछे तो आपको याद रखना है कि जैसे पेड़ है, अब पेड़ क्या होता है, हर दिशा में अलग अलग बहुत सारी, मतलब जो शाखाएं होती है वो फैली हुई रहती है उसकी, तो उसी प्रकार वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी था कि अगर एक आदमी यहाँ से प्रवेश करता है तो फिर वो पता नहीं चलता कि कौन सी दिशा में और कहाँ पर आगे जाके वो निकलेगा, तो इसलिए ये कहा गया था। तो आंसर देखेंगे हम इसका, वेन एवर द नरेटर विजिटेड द थर्ड स्टेशन, भाई जब कभी भी वो विजिटेड द स्टेशन, भाई वो स्टेशन को देखता है, वहाँ पर जाता है, ही ऑलवेज फाउंड हिमसेल्फ बम्पिंग इनटू ए न्यू कॉरिडोर। हमेशा वो अपने आप को एक नए कॉरिडोर के अंदर, नए गली के अंदर पाता था। सो ही थिंक्स दैट इट इज़ ग्रोइंग लाइक ए ट्री, इसलिए वो सोचता है कि भाई यहाँ पर तो बहुत सारी गलियाँ हैं, एक पेड़ के समान है, पेड़ की शाखाओं के ये समान है। Why could Charlie not get opportunity to go back to ticket counter to buy tickets to Galesburg for himself and his wife? भाई ये जो narrator था वो अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए वहाँ पर वापस जाकर टिकट खरीदना क्यों चाहता था? तो Charlie could not find the corridor that leads to the third level. क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे, वाई कुड चार्ली नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू गो बैक टू टिकट काउंटर। अच्छा, मतलब उसको ये अवसर क्यों नहीं मिल पाता है दोबारा से वहाँ पर जाने का? मतलब वो $300 को कितने में कन्वर्ट करवा लेता है? $200 में कन्वर्ट करवा लेता है, और वो चाहता है कि वो वहाँ पर जाएगा और वापस से पुरानी टिकट खरीदेगा। और कितनी टिकट खरीदेगा? दो टिकट खरीदेगा, एक तो खुद के लिए और एक अपनी वाइफ के लिए। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले कि वो टिकट किसके लिए खरीदना चाह रहा था, तो वो एक तो अपने लिए और एक अपनी वाइफ के लिए। लेकिन उसको ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर क्यों नहीं मिल पाता है? क्यों? क्योंकि उसको वो रास्ता, वो कॉरिडोर ही नहीं मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा, चार्ली कुड नॉट फाइंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल। भाई उसको वो कॉरिडोर मिला ही नहीं जो कि थर्ड लेवल की तरफ जा रहा था। नेक्स्ट लिखा है, द व्हाट डेट वाज प्रिंटेड ऑन द न्यूज़पेपर द वर्ड विच चार्ली फाउंड एट द थर्ड लेवल। उस द वर्ड न्यूज़पेपर पे डेट क्या लिखी हुई थी? तो डेट थी June 11, 1894 लिखा हुआ था। व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो फर्स्ट डे कवर है वो क्या था? तो व्हेन ए न्यू स्टाम्प इज इश्यूड स्टाम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल envelope to themselves on the first day of sale and the postmark prove that the मतलब proves the date the envelope is called first day cover। कि वहाँ के लोगों में क्या था, वो स्टाम्प कलेक्शन के, मतलब एक बहुत हॉबी थी, मतलब उनके अंदर ये भूत सवार रहता था कि वो जैसे ही कोई नया स्टाम्प आएगा पहले दिन ही उसको खरीद लेते, और ये प्रूफ देने के, लोगों को प्रूफ देने के लिए कि उसने पहले दिन ही खरीदा है, तो वो लोग क्या करते, उस टिकट को खरीदते और एक एनवलोप लेते और उसके ऊपर वो टिकट डालकर वो खुद को ही उसको सेंड कर देते, उस लिफाफे को खुद को ही सेंड कर देते, और उसके ऊपर जैसे आज अगर कोई स्टाम्प, मतलब कोई जो क्या बोलते हैं इसको, जो एनवलोप लिफाफा या फिर जो पोस्ट जो जारी की गई उसकी डेट होती है, जैसे भाई आज अगर कोई हम किसी को मैसेज डाल रहे हैं तो उस मैसेज की डेट आज की ही रहेगी, तो ऐसा करने के लिए वो लोग क्या करते थे, उस दिन की डेट भी, मतलब उस दिन का वो स्टाम्प कलेक्शन अपने पास भेज देते। और उसी बात को क्या कहा गया है, व्हाट इज़ ए फर्स्ट डे कवर। तो इसका आंसर एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट बात करें, द टाइगर किंग, टाइगर किंग में से एक जो तीन नंबर का क्वेश्चन है वो भी
पूछा जाएगा, और उसका मैं लिंक मतलब जो वीडियो में पहले बना चुका हूँ, इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो पहला लिखा हु इज़ द टाइगर किंग, की बाघ राजा कौन है। द रूलर मतलब जो शासक ओ प्रतिबंधपुरम सर जिलानी जंग जंग बहादुर इज ए फेमसली नोन एज टाइगर किंग, भाई उस नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हो जाएगा हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही स्पोक द वर्ड्स क्लियरली बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स, भाई उनकी एज कब थी जब वो एस्ट्रोलॉजर्स के सामने एकदम क्लियरली स्पोक करता है, तो वो कितने दिन के थे, 10 days old। तो द प्रिंस वाज ओनली ए 10-day-old इन्फेंट व्हेन ही स्पोक क्लियरली, भाई वो सिर्फ 10 दिन का जो एक छोटा शिशु बच्चा था वो क्लियरली बोलता है। व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट अबाउट द डेथ ऑफ टाइगर किंग, भाई चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रिडिक्शन की थी किसके बारे में, टाइगर किंग की डेथ के बारे में। तो द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड दैट ही वाज बोर्न इन द आर ऑफ द बुल, बुल एंड द टाइगर आर एनिमी, भाई इनका जो बुल के समय में जन्म हुआ है और जो बुल और टाइगर वो एक दूसरे के एनिमी है, तो इसका मतलब जो डेथ है वो कम फ्रॉम टाइगर, कहाँ से होगी, किसकी वजह से होगी, टाइगर की वजह से। व्हाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन प्रतिबंधपुरम, अच्छा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द महाराजा की जो महाराजा ने बैन कर दिए थे, प्रतिबंध लगा दिया था हंटिंग टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, भाई जो टाइगर का शिकार था उसके ऊपर बैन लगा दिया था किसके द्वारा, टाइगर किंग के द्वारा प्रतिबंधपुरम में। तो द महाराजा हैज वोड टू किल 100 tigers, भाई राजा क्या चाहता था, 100 बाघ थे वो मारना चाहता था, सो ही बैन किल ऑफ टाइगर बाई एनी वन एक्सेप्ट हिमसेल, भाई वो खुद मारेगा, इस राजा के अलावा कोई बाघ को नहीं मार सकता। फ्रॉम वेयर डिड द दीवान ब्रिंग ए टाइगर, दीवान था वो टाइगर कहाँ से लेकर आता है, तो दीवान ब्रोट ए टाइगर फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मद्रास, ये पीपल्स पार्क कहाँ पर था, मद्रास में था। नेक्स्ट आ जाएगा हु किल द 100 tiger, तो 100वां बाघ किसने मारा था, तो द हंटर किल द 100 tiger, कि जो शिकारी थे उन्होंने उसको मारा था, राजा ने गोली चलाई थी लेकिन वो लगी नहीं थी, वो आवाज़ से बेहोश हो गया था, और वास्तव में किसने मारा था, हंटर्स ने, शिकारियों ने मारा था। व्हाट डिड द टाइगर किंग डू टू कंप्लीट हिज मिशन ऑफ किलिंग 100 tiger, भाई अपने 100 बाघों का मिशन पूरा करने के लिए राजा ने क्या किया था, तो ही बैन टाइगर हंटिंग बाई एनी वन एक्सेप्ट द किंग ही मैरिड, भाई पहले काम तो उसने क्या किया था, उसने टाइगर के शिकार को बैन कर दिया था। ही मेरिड ए प्रिंसेज ऑफ ए स्टेट विद लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, और उसने एक ऐसी राजकुमारी से शादी की जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स थे। वाट डिड द टाइगर किंग रिजोल्व टू, भाई राजा ने किस बात का संकल्प ले रखा था, तो आंसर हो जाएगा द टाइगर किंग रिजोल्व टू किल 100 tigers बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन रॉन्ग, भाई राजा 100 बाघों का शिकार करना चाहता था और उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहता था। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट डिड द किंग सेंड एज ए गिफ्ट टू प्लीज द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ, भाई जो ब्रिटिश ऑफिसर अंग्रेज अधिकारी था उसकी पत्नी को खुश करने के लिए राजा ने क्या गिफ्ट भेजा था, तो ही सेंड डायमंड रिंग्स वर्थ 3 lakh rupees टू प्लीज द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ, तो क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखो क्या करना है, कि पहले तो अगर ये पूछा जाए कि वो जो प्राइज थी, गिफ्ट था, वो कितने रुपये का था, तो क्या हो जाएगा, 3 lakh rupees का था। गिफ्ट में क्या दिया गया था, तो रिंग्स दी गई थी, और ये जो रिंग्स थी वो कहाँ से आई थी, एक फेमस ज्वेलर था कलकत्ता का, वहाँ से आई थी। हाउ मेनी टाइगर्स वर किल्ड बाई द टाइगर किंग, राजा के द्वारा कितने बाघ मारे गए थे, तो 99 tigers वर किल्ड बाई द टाइगर किंग एंड द 100 tiger वाज किल्ड बाई द हंटर्स। हाउ डिड टाइगर किंग डाई, तो बाघ राजा की मौत कैसे हुई थी, तो द टाइगर किंग डाई ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ए स्लीवर विच पियर्स्ड इन हिज हैंड, बाय जो स्लीवर थी उनके हाथ में जो चुभ गई थी उसकी, और उसका इन्फेक्शन फैल गया, उसकी वजह से राजा की मौत हुई थी। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट गिफ्ट वाज गिवन बाय द टाइगर किंग टू हिज सन, बाई टाइगर किंग के द्वारा अपने बेटे को क्या गिफ्ट दिया गया था, तो द टाइगर किंग गिफ्टेड ए वुडन टाइगर टू हिज सन ऑन हिज 3rd birthday, बाय अपने बेटे के 3rd जन्मदिन पर राजा ने वो गिफ्ट दिया था। 3rd chapter है द एनिमी, लिखा हु वाज डॉक्टर सदाओ वेयर डिड ही लिव, अच्छा क्वेश्चन है, वह डॉक्टर सदाओ कौन थे, तो डॉक्टर सदाओ वाज ए जापानीज सर्जन, वो जापानीज सर्जन थे। ही लिव्स इन ए हाउस, वो एक घर में रहते थे ऑन ए जापानीज कोस्ट, वाई जो जापानी समुद्र का बीच था वहाँ पर वो रहते थे। वाई डिड डॉक्टर सदाओज फादर सेंड हिम टू अमेरिका, डॉक्टर सदाओ के फादर ने उनको अमेरिका क्यों भेजा, तो डॉक्टर सदाओज फादर सेंड हिम टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन, सर्जरी और मेडिसिन की स्टडी के लिए उनको अमेरिका भेजा गया था। वेयर डिड डॉक्टर सदाओ मीट हना फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार सदाओ है वो अपनी पत्नी हना से कब मिले थे, डॉक्टर सदाओ मीट हना एट प्रोफेसर हार्लीज हाउस इन अमेरिका, अमेरिका में जो प्रोफेसर थे उनके हार्ली उनके घर पर मिला था।
व्हाट वाज डॉक्टर सदाऊ अचीवमेंट एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में सदाऊ की क्या क्या उपलब्धियाँ थी, या फिर हो जाएगा व्हाई वाज डॉक्टर सदाऊ नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, बाई ट्रूप के साथ में उनको अब्रॉड क्यों नहीं भेजा गया था। तो डॉक्टर सदाऊ वाज वर्किंग ऑन ए डिस्कवरी विच वुड रेंडर वाउंड्स एंटायरली क्लीन, भाई जो एक क्या कर रहे थे, वो एक डिस्कवरी खोज कर रहे थे जिसके द्वारा एक कोई भी जो वाउंड घाव होंगे वो एंटायरली क्लीन, मतलब पूर्ण रूप से साफ सुथरे रूप से वो क्या हो जाएंगे, रेंडर हो जाएंगे, मतलब उनके घाव ठीक हो जाएंगे। इन व्हाट कंडीशन डिड डॉक्टर सदाऊ एंड हना फाइंड द अमेरिकन सोल्जर एट द सी शोर, भाई समुद्र के किनारे पर वो जो अमेरिकन सोल्जर था वो किस प्रकार किस कंडीशन में उनको मिलता है। तो द अमेरिकन सोल्जर वाज बैडली वाउंडेड, भाई बहुत बुरी तरीके से उसको घाव लगे हुए थे। डॉक्टर सदाऊ फाउंड ए गन वाउंड ऑफ हिज लोअर बैक, और भाई उनको एक घाव दिखा था किसका लगा हुआ था, गन का, मतलब गोली की वजह से उनके पीठ पे एक घाव भी लगा हुआ था। व्हाट वाज डॉक्टर सदाऊज फादर चीफ कंसर्न, व्हाट वाज सदाऊज फादर्स चीफ कंसर्न, भाई उनकी जो मुख्य जो मेन उनको कंसर्न बताया गया था कि क्या था, मतलब मेन जो टारगेट था उनका, मेन उद्देश्य था वो क्या था उनके पिताजी का, हिज फादर्स चीफ कंसर्न वाज सदाऊज एजुकेशन, वो चाहते थे अपने बेटे को अच्छी एजुकेशन देना चाहते थे। व्हाई डिड हना वाज द एनिमी सोल्जर, भाई हना ने सोल्जर को साफ कैसे किया था, तो हना आस्क्ड हर गवर्नेंस, भाई उसने अपने नौकरों से कहा था, पूछा यू मी टू वास, ये फुल स्टॉप नहीं आएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, हना आस्क्ड हर गवर्नेंस यू मी टू वास द एनिमी सोल्जर बट शी रिफ्यूज टू डू सो एंड सो हना हैड टू डू इट हरसेल्फ, उसने अपने जो मतलब जो घर के नौकर थी नौकरानी थी यूमी उसको कहा, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया, तो उसने खुद उसको साफ किया या फिर उसको खुद को ये साफ करना पड़ा। व्हाई डिड मैसेंजर केम टू डॉक्टर सदाऊ, मैसेंजर डॉक्टर के घर पर क्यों आया था, तो ओल्ड जनरल कोल्ड सदाऊ टू ट्रीट हिम एज ही वाज नॉट वेल, भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनका इलाज करने के लिए उनको डॉक्टर को बुलाने के लिए वो आया था। वेयर डिड द एनिमी सोल्जर हाइड हिमसेल्फ, एनिमी सोल्जर ने अपने आप को कहाँ पर छुपाया था, तो द एनिमी सोल्जर हाइड हिमसेल्फ ऑन ए आइलैंड नियर द कोस्ट। नेक्स्ट आ जाएगा 10th, हु प्रोमिस्ड डॉक्टर सदाऊ टू सेंड असेसियंस टू किल द एनिमी सोल्जर, असेसियन मतलब ऐसे लोग जो पैसे लेकर दूसरे को मारने का काम करते हैं, तो भाई ये बात भाई उनको भेजने का प्रोमिस किसने किया था, तो उस ओल्ड जनरल ने किया था, तो द जनरल प्रोमिस्ड सदाऊ टू सेंड हिज प्राइवेट असेसियंस टू किल द एनिमी सोल्जर। नेक्स्ट आ जाएगा 11th, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट अबाउट द एनिमी सोल्जर, भाई जो सदाऊ के जो नौकर थे उनका रिएक्शन क्या था उस सोल्जर को देखकर, तो द सर्वेंट्स वर नॉट हैप्पी, भाई वो खुश नहीं थे अबाउट कीपिंग एन एनिमी सोल्जर एट होम, एक दुश्मनों के सिपाही को उनके घर में रखने से वो खुश नहीं थे। नेक्स्ट आ जाएगा ऑन द फेस ऑफ इट लिखा है व्हाट वाज मिस्टर लैम डूइंग व्हेन डेरी केम टू द गार्डन, भाई जब गार्डन में जो डेरी प्रवेश करता है तो मिस्टर लैम उस समय क्या कर रहे थे, तो मिस्टर लैम वाज प्लकिंग क्रेब एप्पल्स व्हेन डेरी केम टू द गार्डन, भाई जब डेरी गार्डन में आया तो वो क्या कर रहे थे, प्लक का मतलब तोड़ना, क्रेब एप्पल्स पके हुए सेबों को तोड़ रहे थे। हाउ ओल्ड वाज डेरी, डेरी की एज कितनी थी, तो 14 ईयर्स ओल्ड, डेरी 14 साल का था। व्हाट डू चिल्ड्रन कॉल मिस्टर लैम, मिस्टर लैम को बच्चे क्या बोलते थे, लेमी लैम, LAMEY लैम्ब, लेमी लैम बोलते थे, लंगड़ा लैम भी बोलते थे। व्हाई वाज डेरी सेड, डेरी उदास क्यों था, या व्हाई डिड डेरी वांट टू रिमेन अलोन, या फिर डेरी अकेला रहना क्यों चाहता था, आंसर हो जाएगा डेरीज फेस वाज बर्नड अप, सो बर्नड बाई एसिड हो सकता है, भाई जो डेरी का फेस था वो किससे जला था, एसिड से जला था। ही थॉट दैट नोबडी लाइक्ड हिम, और वो ये सोचता था कि कोई भी उसको पसंद नहीं करता है। ही वाज सफरिंग फ्रॉम इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और वो किससे सफ़र कर रहा था, ये बीमारी का नाम है इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसमें कोई आदमी है वो अकेला रहने की कोशिश करता है, लोगों से दूर रहने की कोशिश करता है। हाउ डिड द मैन हु रिमेंड इन हिज रूम डाइड एट द एंड, हाउ डिड द मैन हु रिमेंड इन हिज रूम डाइड एट द एंड, ऐसे आदमी जो अकेला अपने आप को अकेलेपन मतलब अकेला रखने की कोशिश करते हैं, अंत में उनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो लिखा है ए फोटोग्राफ फेल ऑन हिज हेड एंड ही डाइड, भाई जो एक आदमी था जिसने अपने आप को कमरे में बंद रखा था, वो ये बात कौन बताते हैं, जो लैम्ब है वो डेरी को बताते हैं, भाई मौत एक आदमी के अकेले रहने से भी हो सकती है, तो भाई वो बैठा था और एक फोटोग्राफ थी वो उसके सिर के ऊपर गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। हाउ डिड डेरी बर्न हिज फेस, भाई डेरी का चेहरा था वो कैसे जलता है, तो डेरीज फेस वाज बर्नड बाई एसिड, एसिड के द्वारा जलता है। व्हाट चेंजेज वी सी इन डेरीज एटीट्यूड एट द एंड ऑफ द प्ले, भाई इस नाटक के आखिर में डेरी का जो एटीट्यूड मतलब जो आचरण था वो किस प्रकार बदल जाता है, तो डेरी लेफ्ट द हैबिट ऑफ सेल्फ पिटी, मतलब वो अपने आप पर दया दिखाने की जो आदत थी वो उसको वो दूर कर देता है, छोड़ देता है। ही बिगेन टू
एडमायर अदर्स, वो दूसरे लोगों को एडमायर करना शुरू कर देता है, प्रशंसा करना शुरू कर देता है। ही बिकेम मोर पॉजिटिव टुवार्ड्स लाइफ, और जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, और उसकी सोच थी वो पॉजिटिव हो जाती है, सकारात्मक सोच हो जाती है। व्हाट हैपन्स टू मिस्टर लैम्ब एट द एंड ऑफ द प्ले, व्हाट हैपन्स टू मिस्टर लैम्ब, भाई मिस्टर लैम्ब के साथ इस नाटक में आखिर में क्या होता है, तो मिस्टर लैम्ब फॉल्स फ्रॉम लेडर, वो सीढ़ी से गिर जाते हैं, ब्रेक्स हिज नेक, उनकी गर्दन टूट जाती है, एंड डाइज और मर जाते हैं। नेक्स्ट लिखा है नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट फिजिकल इम्पेयरमेंट इज मिस्टर लैम्ब सफरिंग फ्रॉम, भाई कौन सी फिजिकल इम्पेयरमेंट थी उनके अंदर, मतलब जो क्या बोल सकते हैं इसको, शारीरिक विकृति थी मिस्टर लैम्ब के अंदर। तो मिस्टर लैम्ब हैज लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन वार, उनके उनका एक पांव था वो युद्ध में वो खो चुके थे, देयर इज ए टिन लेग इन इट्स प्लेस, और उसकी जगह पर क्या लगा हुआ था, टिन का लेग लगा हुआ था। हाउ फार डेरी इज होम फ्रॉम गार्डन, बाई डेरी का घर कितनी दूर था गार्डन से, तो डेरी इज होम वाज 3 miles अवे फ्रॉम द गार्डन, तो ये भी याद रखना है कि 3 miles दूर था किसका घर, डेरी का घर, किसके घर से, लैम्ब के घर से, उस गार्डन से। व्हाट रिएक्शन वाज गिवन बाय मिस्टर लैम्ब फॉर नॉट हैविंग कर्टेंस एट द विंडोज, भाई जब डेरी ने किससे पूछा लैम्ब से, वह तुम्हारे घर पे पर्दे खिड़कियां मतलब जो खिड़कियों पर्दे हैं वो क्यों नहीं लगे हुए, तो उसने कहा ही सेड दैट ही लाइक्ड लाइट एंड, उसको रोशनी पसंद है, एंड द डार्कनेस एंड द विंडोज ओपन टू हियर द विंड, और भाई खिड़कियाँ हैं वो खुली रहती है क्योंकि उसको हवा को सुनना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट लिखा व्हाट डज मिस्टर लैम्ब मेक फ्रॉम द राइप एप्पल्स, भाई जो पके हुए सेब थे उनसे जो मिस्टर लैम्ब वो क्या बनाते थे, तो मिस्टर लैम्ब मेक्स जेली फ्रॉम द राइप एप्पल्स, जेली और टॉफीज भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, लिखा है हाउ वाज इंडियन गर्ल्स ड्रेस्ड, भाई जो इंडियन गर्ल्स थी वो उन्होंने कैसे ड्रेस कैसे कपड़े पहन रखे थे, तो इंडियन गर्ल्स वर वियरिंग स्टिप शूज एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेज, उन्होंने क्या पहन रखे थे, स्टिप शूज और क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेज, मतलब चिपके हुए कपड़े पहन रखे थे, टाइट कपड़े बोल सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है व्हाट हैपन व्हेन ए स्मॉल बेल वाज टैप्ड, भाई जैसे एक छोटी घंटी बजती है उस समय क्या होता है, व्हेन द स्मॉल बेल वाज टैप्ड ईच ऑफ द पीपल ड्रू ए चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, भाई जैसे ही छोटी घंटी बजती है सारे के सारे जो पीपल स्टूडेंट्स बोल सकते हैं इसको, स्टूडेंट्स ड्रू ए चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, टेबल के नीचे से वो अपनी अपनी चेयर को खींच लेते हैं बाहर की ओर। व्हाट वाज द फर्स्ट मिस्टेक कमिटेड बाय जितक्लासा के द्वारा पहली जो गलती थी वो क्या की गई थी, व्हेन द स्मॉल बेल वाज टैप्ड शी हैड टू ओनली ड्रू ए चेयर बट शी सिट ऑन इट, भाई उसको सिर्फ क्या करना था, सिर्फ चेयर को खींचना था लेकिन वो उसके ऊपर बैठ गई थी, ये उसकी पहली गलती थी। व्हाई डिड जितक्लासा स्टार्टेड क्राइंग, जितक्लासा ने रोना शुरू क्यों किया, जितक्लासा स्टार्टेड क्राइंग व्हेन द थर्ड बेल रैंग एंड एवरीवन स्टार्टेड ईटिंग फूड एज शी वाज अफ्रेड टू डू एनीथिंग, भाई सब ने तो जैसे जो तीसरी बेल लगी सब ने खाना शुरू कर दिया लेकिन वो डरी हुई थी और कुछ नहीं कर पा रही थी इसलिए उसने रोना शुरू कर दिया। हु वाज जितक्लासाज फ्रेंड, जितक्लासा की फ्रेंड दोस्त कौन थी, जितक्लासाज फ्रेंड वाज जूडविन, ये उसके फ्रेंड का नाम है जूडविन, JUDEWIN। नेक्स्ट लिखा हु हैव सिंगल हेयर अकॉर्डिंग टू जितक्लासा, भाई जितक्लासा के द्वारा सिंगल हेयर मतलब छोटे बाल कौन रखता है, अकॉर्डिंग टू जितक्लासा अनस्किल्ड वॉरियर्स हु यूज टू बी कैप्चर्ड हैड सिंगल हेयर, भाई ऐसे लोग ऐसे योद्धा जो अनस्किल्ड है मतलब अभी वो लड़ना नहीं सीख चुके हैं तो वो ही लोग छोटे बाल रखते हैं। नो आई विल नॉट सबमिट आई विल स्ट्रगल फर्स्ट हु सेड दीज लाइन्स, भाई नहीं भाई मैं अपनी मतलब वो झुकेगी नहीं और अपनी गलती और अपने मतलब जीत के लिए प्रयास करती रहेगी, तो ये बात सबसे पहले किसने कही थी, जितक्लासा सेड, तो जितक्लासा ने ये कहा था दीज वर्ड्स टू जूडविन अपनी सहेली से, सी सेड दैट सी वुड स्ट्रगल अगेंस्ट कटिंग हर हेयर शॉर्ट, भाई वो जैसे उसको पता चला कि भाई ये लोग उसके बालों को काट कर छोटा कर देंगे तो उसने कहा कि नहीं वो हार नहीं मानने वाली, इस बात का विरोध करेगी और स्ट्रगल करेगी प्रयास करेगी बचने का। नेक्स्ट लिखा वेयर डिड जितक्लासा हाइड हिमसेल्फ, जितक्लासा ने अपने आप को कहाँ पर छुपाया था, तो जितक्लासा हाइड अंडर ए बेड इन ए रूम की एक कमरे में एक बेड के नीचे वो कोने में छुप जाती है। व्हाट हैपन विद जितक्लासा एट द एंड, आखिर में जितक्लासा के साथ क्या होता है, एट द एंड जितक्लासा लॉन्ग हेयर वर कट शॉर्ट, उसके बालों को काट दिया जाता है। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ जितक्लासा, जितक्लासा का वास्तविक नाम क्या था, द रियल नेम ऑफ जितक्लासा वाज गेरट्रूड सिमंस बोनिंग, ये इसका नाम था, ये चैप्टर में नाम देख लेंगे एक बार इसकी स्पेलिंग ढंग से। व्हाट मेड बामा एंग्री, बामा को गुस्सा क्यों आता है, किस चीज़ को देखकर बामा को गुस्सा आता है, बामाज एल्डर ब्रदर टोल्ड हर दैट दे आर नॉट लोड टू टच द थिंग्स विच द अपर कास्ट पीपल यूज्ड, जैसे बामा के भाई ने उसको ये कहा कि भाई हम लोग हैं वो हमें अलाउड नहीं है इस बात की कि वो क्या करें कि वो अपर क्लास के जो लोग हैं ऊंची कास्ट ऊंची जाति के जो लोग हैं उनकी चीज़ों को
जिन चीज़ों को वो यूज में लेते हैं उनको वो टच नहीं कर सकते। दिस मेड हर सैड एंड एंग्री, इस बात से उसको दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। वाई डिड बामा फील दैट एल्डरली मैंस बिहेवियर वाज फनी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो ध्यान से देखेंगे। वाई डिड बामा फील दैट एल्डरली मैंस बिहेवियर वाज फनी, कि बामा को ये क्यों लगा कि जो ये बूढ़ा आदमी जो पैकेट लेकर आ रहा था उसका बिहेवियर व्यवहार था वो फनी कैसे था। तो एल्डरली मैंस बिहेवियर वाज फनी बिकॉज ही वाज ए टॉल मैन, एक लंबा आदमी था, स्टिल ही वाज कैरिंग ए स्मॉल पैकेट ऑफ फूड, और उसके बावजूद वो एक छोटा सा पैकेट लेकर आ रहा था खाने का बाय इट्स स्ट्रिंग, उसके धागे से पकड़कर विदाउट टचिंग इट, उसको बिना छुए हुए, उसको देख इन सबको देख कर उसको थोड़ा सा मतलब फनी फील होता है। नेक्स्ट लिखा व्हाई डिड बामा टेक मोर टाइम टू रीचिंग हर होम फ्रॉम हर स्कूल। अभी देखो ये क्वेश्चन एक तो छोटा आएगा तो एक नंबर का आएगा और या फिर बड़ा आएगा तो तीन नंबर का आएगा, तो हम एक बार उस बड़े वाले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और उसी को हम छोटा भी लिख सकते हैं। तो भाई उसको घर आने में ज़्यादा समय लगता था, मान लो भाई स्कूल जाने में 10 मिनट लगती थी और वापस आने में उसको आधा घंटा लगता था, तो ऐसा क्यों होता था। तो बामा कुड कवर द डिस्टेंस फ्रॉम हर स्कूल टू हर होम इन 10 मिनट्स, भाई वो 10 मिनट में आ सकती थी चाहती तो, बट शी वुड टेक मोर देन एन आवर, भाई एक घंटे से भी ज़्यादा का समय ले लेती थी। शी यूज़ टू इन्जॉय वॉचिंग ऑल द एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन द वे, वो क्या करती थी रास्ते में जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उन सबको वो देखती थी और उनको इन्जॉय करती रहती थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लास्ट तक इस वीडियो को देख चुके होंगे, आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको लगा कि आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है तो आप अपने दोस्तों को भी इसको साथ साथ शेयर कर सकते हैं।